बाबा बागेश्वर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुँचे वकील साहब। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं। जज से करने लगे बहस तो हो गई तीखी नोकझोंक। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। जज ने वकील की लगा दी क्लास। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिए, पढ़ के बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है। बागेश्वर बाबा के खिलाफ याचिका को किया रद्द। कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे लेट नोटिसेस बी इशूड फॉर कंटेंप्ट अगेंस्ट दी। आपने सड़कों से लेकर गली चौराहों पर तीखी बहस तो कई बार सुनी और देखी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में हुए जज साहब और वकील की बहस पहली बार देख रहे होंगे। जज साहब कुछ पूछते हैं तो वकील साहब चिढ़ जाते हैं, जज को ठीक से सुनने की सलाह दे देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है। जज साहब का पारा इतना हाई हो जाता है कि वकील साहब को तहजीब से पेश आने को कहते हैं, साथ ही कहते हैं कि यहीं से जेल भेज दूंगा अगर बदतमीजी से बात की तो। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनेंगे, और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। आखिर मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बालाघाट जिले के परसवाड़ा स्थित ग्राम भादुकोटा में बागेश्वर धाम सरकार की वनवासी राम की कथा का आयोजन किया गया था। इसका आदिवासी समाज ने विरोध किया और हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि जो जगह राम कथा के लिए चयनित है वहां आदिवासी समाज का धार्मिक स्थल है और वहां राम कथा होने से आदिवासी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। इस पर समाज की ओर से गए वकील और हाईकोर्ट के जज विवेक अग्रवाल के बीच जमकर बहस हो गई, क्योंकि जज साहब के सामने पेश हुए वकील जिस तरह से जज साहब से बात कर रहे थे वो एक वकील को शोभा नहीं देता। वो बार बार जज को गलत साबित करने पर लगे थे, ना तो उनके पास कोई ठोस सबूत था और ना ही कोई गहन जानकारी, लेकिन फिर भी वकील खुद की बात को जबरदस्ती पेश किए जा रहे थे। इस पर जब जज साहब ने वकील साहब से सबूत मांगे तो वो पन्ना पलटने लगे, लेकिन जवाब देने की बजाय जज को ही अच्छे से सुनने की नसीहत देने लगे। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी TRP कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। जज ने वकील को तमीज से बात करने की सलाह दी और पिटीशन खारिज कर दिया, और इसके बाद बाबा बागेश्वर की राम कथा का आयोजन किया भी गया। उधर राम कथा का पाठ करने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी वकील साहब को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, धन्य है हाईकोर्ट के जज साहब जिन्होंने हाईकोर्ट आने वाले को चुप करा दिया, जिन्होंने विरोध किया उनकी ठठरी बन जाए। वे कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम के आने से संस्कार बिगड़ जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या राम कथा से संस्कार बिगड़ता है या बनता है? क्या मिशनरी के आने से संस्कार बिगड़ते हैं या बनते हैं? तो आप बताएं वह किसके साथी हैं? हालांकि सोशल मीडिया पर जज साहब और वकील के स्तुतु मैमे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लाखों लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बाबा बागेश्वर की राम कथा से क्या किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज़।